Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शेफाली एंड आज की वीडियो में हम लोग सस्पेंडेड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशंस में प्रोसेस की बहुत सारी स्टेट्स पढ़ी थी, जैसे कि रेडी स्टेज, वेटिंग स्टेज, टर्मिनेटिंग स्टेज, ब्लॉक स्टेज, ऐसी बहुत सारी स्टेजेस थी. तो सस्पेंशन की भी दो स्टेट्स होती हैं, एक होता है सस्पेंशन रेडी स्टेट, एक होता है सस्पेंशन ब्लॉक स्टेट. तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेज में होगी तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस प्रोसेस को सस्पेंशन रेडी में डाल देगा, ठीक है. जब हमारी प्रोसेस ब्लॉक स्टेज में होगी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको उठाएगा, उस प्रोसेस को उठाएगा और सस्पेंशन ब्लॉक स्टेज में डाल देगा. मेरी कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को सस्पेंडेड रेडी स्टेज में तब डालता है जब हमारी वो प्रोसेस रनिंग स्टेज में होती है, ठीक है. और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी प्रोसेस को सस्पेंशन ब्लॉक स्टेट में तब डालता है जब कोई भी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में होती है. ये तो सिंपल सी हमने स्टेट्स पढ़ ली, लेकिन इसके आगे फर्दर काफी सारी स्टेजेस है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ. तो जब हम लोग सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं सस्पेंशन में, यानी जो हमारे प्रोसेस है वो किसी भी स्टेज से सस्पेंड होके किसी दूसरी स्टेज में चली जाती है, ठीक है. तो उन्हीं स्टेजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो मेरे पास टोटल 6 स्टेट्स हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले आती है हमारी सस्पेंडेड रेडी टू रेडी स्टेज. एक प्रोसेस की ट्रांजिशन तब होती है सस्पेंडेड रेडी टू रेडी स्टेट में जब मेन मेमोरी में कोई भी रेडी प्रोसेसेस नहीं होती है, और जो प्रोसेसेस सस्पेंडेड रेडी स्टेट में होती है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उन प्रोसेस से जो रेडी स्टेट में है. जैसे कि हमारी एक रेडी स्टेट होती है, वैसे ही हमारी एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट भी होती है. अब एग्जाम्पल, ये मेरी रेडी स्टेट है, ठीक है. इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P3, ठीक है. ये मेरी रेडी स्टेट है और ये है मेरी सस्पेंशन रेडी स्टेट, ठीक है. और इसमें भी मेरी कुछ प्रोसेसेस हैं, P3 है, P4 है. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट सस्पेंडेड रेडी स्टेट में तब डालता है जब हमारी कोई भी रेडी प्रोसेसेस हमारी मेन मेमोरी में नहीं होती है, और जो प्रोसेसेस हमारी इस स्टेट में होगी यानी सस्पेंडेड रेडी स्टेट में होगी उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी रेडी स्टेट की प्रोसेसेस से. अब ज़्यादा प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, इन प्रोसेसेस को सीपीयू को एलोकेट करने के बजाय वो इन प्रोसेस को ज़्यादा अहमियत देगा, यानी इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा कि ये सीपीयू को एलोकेट हो जाए और अपना टास्क जो भी इनके एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट कर ले. और जब इनके एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो रेडी स्टेट वाली जो भी प्रोसेसेस है वो रन हो जाएगी. तो ये है हमारा सस्पेंडेड रेडी टू रेडी स्टेट. फिर नेक्स्ट आती है हमारी सस्पेंडेड ब्लॉक टू सस्पेंडेड रेडी. अब क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस को क्या होता है, इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म कराना होता है या फिर कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है जो कि यूज़र करेगा, उनको यूज़र की मदद चाहिए, तो वो कौन सी स्टेज में चले जाते हैं, वो वेटिंग स्टेज में चले जाते हैं. कुछ टाइम के लिए वो ब्लॉक हो जाते हैं, यानी वो एक तरह से एक ब्लॉक स्टेज भी है कि वो वहीं पर रुक गए हैं. तो जब उनका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन उन्होंने यूज़र से परफॉर्म कराना था और वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या होगा, हमारी जो प्रोसेस
ब्लॉक स्टेज में है वो कहाँ चली जाएगी, वो दोबारा से रेडी स्टेज में चली जाएगी। तो ये है हमारा सस्पेंडेड ब्लॉक टू रेडी स्टेट। अब सस्पेंडेड ब्लॉक टू रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस जो ब्लॉक स्टेज में थी वहाँ से वो सस्पेंड हो गई। ठीक है, हम बोलते हैं ना रिटायर हो गए हम लोग, जैसे कि कोई पुलिस में होता है वो रिटायर हो जाता है, कोई किसी कंपनी में होता है वो रिटायर हो जाता है। तो एक एक स्टेट से वो सस्पेंड हो जाता है और वो दूसरी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारी यहाँ पे प्रोसेस होती है, वो एक स्टेट से सस्पेंड हो जाती है और वो दूसरी स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि वो रेडी स्टेट से सस्पेंड हो गई थी और वो दोबारा से रेडी स्टेट में चली गई थी। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोसेस ब्लॉक स्टेज में है वो कहाँ चली जाएगी, रेडी स्टेज में चली जाएगी, वहाँ से सस्पेंड होके रेडी स्टेज में चली जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंडेड ब्लॉक टू वेटिंग स्टेज। अब जैसे हमारे रेडी स्टेट में ये क्यू बना हुआ है, यानी पहले P1 प्रोसेस है, फिर P2 प्रोसेस है, फिर P3 प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो ब्लॉक स्टेट में चली जाती हैं, तो वो एक क्यू के फॉर्म में जाती है। यानी सबसे पहले अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी P1 प्रोसेस है, ठीक है, फिर P2 प्रोसेस है, तो ये क्या है, एक क्यू के फॉर्म में है। यानी जो सबसे पहले आई है वो ही सबसे पहले जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो ब्लॉक स्टेज से वेटिंग स्टेज में चली जाती है। ऐसा तब होता है जब हमारी मेन मेमोरी अवेलेबल होती है और जो प्रोसेस सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में है, यानी जो प्रोसेस हमारी सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में है उसकी हायर प्रायोरिटी है उन प्रोसेसेस से जो कि सस्पेंडेड रेडी स्टेट में है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि ये हो गई हमारी सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट, ठीक है, और ये हो गई हमारी सस्पेंडेड रेडी स्टेट। अब मैं बोल रही हूँ कि सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में जो भी मेरी प्रोसेसेस है उनकी हायर प्रायोरिटी है किनसे, जो मेरी प्रोसेसेस सस्पेंडेड रेडी स्टेज में है। तो हमारी जो प्रोसेस है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लॉक स्टेज से वेटिंग स्टेज में चली जाएगी। ठीक है, अगर P1 प्रोसेस की बारी है तो P1 प्रोसेस ब्लॉक स्टेज से वेटिंग स्टेज में चली जाएगी। फिर आता है हमारा रेडी टू सस्पेंडेड रेडी एंड रेडी टू सस्पेंडेड ब्लॉक्ड। अब सस्पेंडेड रेडी स्टेज से सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेज में हमारी प्रोसेस कब जाती है, ये ट्रांजिशन तब होता है जब बाकी प्रोसेसेस एडिशनल मेमोरी के लिए या फिर कुछ मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि किसी और प्रोसेसेस को एलोकेट हो चुकी है किसी भी, मतलब सिस्टम की कोई भी कंडीशन चेंज होने की वजह से। तो हमारा क्या होता है, सस्पेंडेड रेडी स्टेज से हमारी जो प्रोसेस है वह सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेज में चली जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा न्यू टू सस्पेंडेड रेडी एंड न्यू टू रेडी। ये ट्रांजिशन तब होता है जब एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है। जब एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो रेडी क्यू में चली जाती है। जब एक टाइम में बहुत सारी प्रोसेसेस क्रिएट होती है तो मेन मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेसेस इकट्ठी हो जाती है एक टाइम में, तो उससे क्या होता है कि वो सारी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में बहुत सारा स्पेस घेर लेती है। यानी इसमें बहुत सारा स्पेस लगता है, जितनी ज़्यादा प्रोसेसेस होगी उतना सारा स्पेस हमारी मेन मेमोरी लेगी उनको रखने में, स्टोर करने में, जिससे कि और प्रोसेसेस हमारी आ नहीं सकती। यानी अगर किसी और प्रोसेस ने आना है रेडी क्यू में तो वो आ नहीं पाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को आसान करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में डाल देते हैं। बहुत सिंपल है, हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस एक टाइम में रेडी क्यू में होती है। ठीक है, अब रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं तो क्या होगा, मेन मेमोरी का बहुत सारा स्पेस एलोकेट हो गया उन प्रोसेसेस को। अब अगर और प्रोसेसेस आना चाहती है तो वो कैसे आएगी, हम उनको कहाँ रखेंगे, जब स्पेस ही नहीं होगा उनको रखने का। तो हम क्या करते हैं, उनको सस्पेंडेड रेडी स्टेट में डाल देते हैं। सस्पेंडेड रेडी स्टेट में से क्या होता है, वो
जब हमारे रेडी क्यू में थोड़ी सी जगह बन जाती है तो वो प्रोसेसेस सस्पेंडेड रेडी स्टेट से हमारी किस में आ जाती है, रेडी स्टेट में आ जाती है। सो लास्ट है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा टर्मिनेट फ्रॉम एनी स्टेट। एक प्रोसेस जब रन हो रही होती है तो वो किसी भी टाइम टर्मिनेट हो सकती है। तो वो किस किस वजह से टर्मिनेट हो सकती है, जैसे कि उसकी जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गई है तो वो टर्मिनेट हो सकती है, या फिर उस प्रोसेस की पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है तो वो टर्मिनेट हो सकती है। पेरेंट प्रोसेस का मतलब क्या है, एक प्रोसेस की बहुत सारी चाइल्ड प्रोसेसेस भी होती है, ठीक है। तो चाइल्ड प्रोसेसेस जब टर्मिनेट हो जाती है या फिर पेरेंट प्रोसेस जब टर्मिनेट हो जाती है तो चाइल्ड प्रोसेसेस भी टर्मिनेट हो जाती है। तो इस वजह से हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो टर्मिनेट स्टेट में चली जाती है। या फिर हमने कोई भी प्रोसेस को कट कर दिया या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है। तो जैसे हमने प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन का डायग्राम देखा था, हम इसका भी डायग्राम देखेंगे सस्पेंडेड स्टेट का। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको समझा तो मुझे बहुत इजीली समझ आ गया। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो आ गई, ठीक है, न्यू प्रोसेस। अब वो जो न्यू प्रोसेस है वो कहाँ जा रही है, वो सस्पेंडेड रेडी स्टेज में जा रही है, ठीक है। सस्पेंडेड रेडी स्टेज में से वो एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होके वो कहाँ जाएगी, रेडी स्टेज में जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि जब एक न्यू प्रोसेस आती है तो वो सस्पेंडेड रेडी स्टेट में जा सकती है, कब, जब हमारे रेडी स्टेट जो है उसमें जगह नहीं है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो हम बाकी प्रोसेसेस को कहाँ रखेंगे। तो हमने क्या करा, उसको सस्पेंडेड रेडी स्टेज में रख दिया। तो हमारी प्रोसेस कहाँ चलेगी, रेडी स्टेज में चलेगी। अब जो हमारी प्रोसेस है वो रेडी स्टेट से दोबारा सस्पेंड होके सस्पेंडेड रेडी में भी आ सकती है, ठीक है। और हमारी जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेज से कहाँ जा सकती है, वो रनिंग स्टेज में भी जा सकती है। तो जो हमारी प्रोसेस को रेडी स्टेज से रनिंग स्टेज में लेके जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शेड्यूलर डिस्पैच भी कहते हैं या फिर शेड्यूल डिस्पैचर भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी प्रोसेस को उठाता है रेडी स्टेज से और उसको लेके जाता है रनिंग स्टेज में, यानी सीपीयू को वो उसको एलोकेट कर देता है, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारी जब हमारी प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, तो वो रन होते होते दोबारा से रेडी स्टेज में भी जा सकती है, ठीक है, सस्पेंडेड रेडी में भी जा सकती है किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। और फिर जब हमारी प्रोसेस रन हो रही होती है तो क्या होता है, कई बार कोई भी इंटरप्ट आ जाता है या फिर कोई भी हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो गया या फिर कोई और प्रोसेस ओपन हो गई या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा इंटरप्ट आ जाता है तो हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेज से कहाँ चली जाती है, रेडी स्टेज में चली जाती है, ठीक है। फिर हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेज से वेटिंग स्टेज में भी जा सकती है। वेटिंग स्टेज में कब जाएगी, जब उसको कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है या फिर वो किसी इवेंट के अकर होने का वेट कर रही है, ठीक है। अब हमारी प्रोसेस कहाँ आ गई, अब हमारी प्रोसेस आ गई वेटिंग स्टेज में। तो हम लोग वेटिंग स्टेज की बात करते हैं। अब जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, अगर उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया जिसके लिए वो वेटिंग स्टेज में आई थी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो दोबारा चली जाएगी हमारी रेडी स्टेज पे, ठीक है। रेडी स्टेज में जो भी शेड्यूल डिस्पैचर है वो उसको दोबारा से एलोकेट कर देगा कंप्यूटर को, ठीक है। और अगर ऐसा, मतलब अगर वो कुछ और कर रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो सस्पेंड हो सकती है, ठीक है, किसी और की ज़्यादा प्रायोरिटी हो तो हमारी जो प्रोसेस है वो कहाँ चली जाएगी, सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेज में हमारी प्रोसेस चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो सस्पेंड होके सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेज में चली जाएगी तो उसको अपना जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो भी तो उसको कंप्लीट करना है ना, तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी, वेटिंग स्टेज में चली जाएगी। फिर
हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया है, यानी जो भी इवेंट उसको परफॉर्म कराना था प्रोसेस को वो कंप्लीट हो गया है, तो वो दोबारा से सस्पेंडेड रेडी स्टेज में भी जा सकती है और दोबारा से वही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब जो हमारी प्रोसेस है वो टर्मिनेट स्टेट में कब जाएगी, जब उसकी मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यानी उसकी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, तो ये था हमारा सस्पेंडेड स्टेट का छोटा सा डायग्राम। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो एंड आपको सस्पेंडेड स्टेट अच्छे से समझ आया हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।